शर्मा जी वर्मा जी की देखो ये कहानी, एक बार एक बात बस तुम जान करेंगे ना दानी ना दानी। शर्मा जी चले नाप तोल के, वर्मा जी फसलते हर मोड़ पे। शर्मा जी करे लोन काम ताने ओम ताने, वर्मा जी कहे दूर की क्यों सोचे सोचे। So what do you think, what you wanna be, शर्मा जी या वर्मा जी? Think now, act now. Smart Savings Plan में invest करके अपना कल secure कीजिए. Be a Sharma ji. I don't know. कुछ missing है इस ad में. Ma'am, logo हम कल तक final करके दे देंगे. Is it the color of? I don't know. I can't put my finger on it. Okay. Anyway, let me think about it on my flight, and I'll let you know when I get to Delhi. But Vinny, please, we need this perfect by this week. We're already 3 days behind schedule. I want it absolutely right, okay? Yes, ma'am. Okay. Thank you. We'll get it done, ma'am. Hello, Zenobia. Nice of you to join us so early. Sorry, ma'am. Yeah, I know. Lots of traffic, right? Here's your flight ticket to Delhi, and this is for Los Angeles on Monday morning. Change this flight to Sunday. I need some time more in LA. Aren't you getting late? For what? Your flight to Delhi. It's at 4:30, no? Okay, tell Varun that I'll finish this report on the flight and send it back to him, okay? CC Mr. Mehra on the third stage of the Hortons deal. And please ask FedEx, what's the status on my Reuters? Tell Niharika that it's sea green, not marine blue. Okay. Call Vineet from Trikaya. Actually, forget it, I'll do it myself. Meri driver se kaho, ki gaadi porch pe le aaye. Yes, sir. Volume comfortable. Ha, on the way. The airport. अच्छा वो पार्टी कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं मुझे एलए संडे को ही जाना है। या इट्स प्रीपोन्ड। या बट यू आल्सो नो हाउ इट इज ना। अच्छा जब मिलेंगे तो बात करेंगे। ओके ओके सी यू। लव यू टू। आंटी आंटी डोर पे देना, वड़ा पाव खाएगा, खाना खाएगा। आंटी देना। आंटी वो टीवी में क्या? आंटी आंटी वो टीवी में क्या? आंटी उधर जो अपुन देखा था ना उधर, वो टीवी उधर। अरे चल देना, तेरी शादी होगी, चकना पति। ला बेटा ला, पैसा दे ला, दे दे। चल चल लियो ने। फोन मारो। आई डोंट बिलीव दिस, दिस आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। सॉरी प्रॉब्लम क्या है? दोनों साइड से जाम है। अरे मैडम और भी ट्रैफिक जाम होने वाला है, वहाँ से बड़ी रैली जाने वाली है। रैली? या बट आई एम गेटिंग लेट। आई एम सॉरी मैडम, सबको डाइवर्सन लेना पड़ेगा। ओके व्हाट? ए तका तका तका। ग्रेट वेल छत्रपति शिवाजी।
आज की राइटिंग Flight to Delhi. Ma'am, you've missed your flight. That's not possible. Check karo. Sorry, ma'am, but the gates are closed. I can't help you. You're late. What do you mean I'm late? Sorry, ma'am. Airline rules. Airline rules? Do you know how much business I give your airline, huh? Me alone. I really can't help you. Please. Agli flight kab hai? Raat 11 baje. What? Listen, I need to go, like now. उससे पहले कोई फ्लाइट नहीं है क्या? 11 से पहले नहीं. Only if you want to travel by any budget airlines. Budget airlines. One outlook money, please. 30 rupees, madam. No change, madam. होगा ना देख. नहीं मैडम, छुट्टा नहीं है. टिकट है ये 1000 का है. एक मिनट. Your change. Thank you. You're welcome. $25. दूसरा मैगजीन चाहिए? अबे पूछ रहा हूँ, शादी करेंगे ये दोनों? क्या लगता है? अबे ट्राई करी ना. मुझे क्या पता? अगर तुम पता ही नहीं हो तो मैं जिन को खरीदूं? सर ये बैग आपको चेकिंग करने चाहिए थे. अरे नन्हे नन्हे से ही तो हैं, और सबने तो दिल्ली जाना है, कौन सी बड़ी बात हो गई? और रिलैक्स करो जी. हाँ बोल. हेलो. हाँ नहीं जी, बोर्डिंग तो कर चुका हूँ मैं. हाँ अरे नहीं, बात करना. अभी प्लेन पे बैठा हूँ, चला थोड़ी रहा हूँ. हाँ बोल. क्या? अबे 12 नहीं 15 कहा था मैंने. कितना? हाँ अबे देख, उस लौंडे को बोल कि हम भी धंधा करने आए हैं, कबूतर नहीं उड़ा रहे. और क्या डरते क्या लौंडे के बाप से? बोल दे फाइनल रेट है और नो रूम फॉर डिस्कशन वाला भी डाल दियो. हाँ बात करते. ये मुंबई वाले ना दिल्ली वालों को फुद्दू ही समझते हैं. और दिल्ली जी बड़ी अच्छी शर्ट पहनी है यार, रेडीमेड है. हाँ सिलवाना तो बंद ही कर दिया लोगों ने. सामने दो पीछे चार बैंक्स के ऊपर आपात स्थिति में आप. छोड़ना यार, जब जान पे बनेगी ना तो सबसे पहले यही कूदेंगे ट्रे लेकर, और हम लोग आगे का द्वार, मध्य द्वार और पीछे का द्वार खोजते खोजते पहुंच जाएंगे हरिद्वार. हरिद्वार आगे का द्वार नहीं समझा? कोई बात नहीं. ऑक्सीजन मास्क कभी लगाया तुमने? नशा छा जाता है, बाय गॉड एकदम हल्का हो जाता है सिर. ट्राई करियो कभी. तो वाइफ को समझाया मैंने कि तुम्हें क्या करना है, तुम चुपचाप अपना चूल्हा चौकी संभालो. रही बात मामा जी की, तो उसमें टेंशन की क्या बात है, छत से लगी मुंडेर पे गद्दे डलवा देंगे. कहाँ पे डलवा देंगे? मुंडेर पे. ओए मुंडेर पे नहीं यार, छत पे. 30 फुट की मुंडेर से लटका के मामा जी को लटकाएगा क्या है? तो ध्यान से सुनने रहा मेरी बात. वो करते क्या हो? सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो? मैं वो आईआईटी में भी स्टूडेंट हूँ. अच्छा अभी पढ़ाई कर रहे हो तुम? तभी ध्यान तुम्हारा कहीं और है. कृपया विमान के रुक जाने तक और सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक पकड़ो भाई.
अच्छा भाई राम राम। सर प्लीज बी सीटेड। बोलो जी, वो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लैंड तो कर ही गए ना। हाँ हेलो, आई जस्ट लैंडेड, कहाँ हो? विक्रम, मैं मंडे को नहीं जा सकती। अरे लेकिन अगर बर्थडे मेरा है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो आई जस्ट डोंट सीम टू अंडरस्टैंड। अच्छा देखो, होल्ड करो, मेरा बैग है, आई कॉल यू। ओके, आई गॉट माय बैग। हाँ मैं बाहर आ रही हूँ। देखो मेरा बैटरी कम हो रहा है, आई विल सी यू देयर। जब यहाँ एयरपोर्ट पे उतरी तब पता चला दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ आई डोंट नो सम मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट। सारी फ्लाइट्स यहाँ जयपुर में लैंड हो रहे हैं, इट्स फ्रीजिंग हियर। अनाउंसमेंट की थी विक्रम, आई वाज अस्लीप ऑन द फ्लाइट। रुको, हैंग ऑन वन मिनट। अच्छा सुनो, तुम टेंशन मत लो, मैं कार हायर करके दिल्ली आ रही हूँ। बिकॉज देयर इज नो अदर चॉइस विक्रम, कल सुबह तक कोई और फ्लाइट्स नहीं है। विक्रम डोंट गेट ओवर प्रोटेक्टिव ऑन मी नाउ, यू नो आई कांट हैंडल इट। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, माई बैटरी इज डाइंग। चलो क्या हुआ? मैडम जी वो मशीन खराब है, कारण चल नहीं रहा, कैश देना पड़ेगा जी। वहाँ प्लेन नहीं चल रहा है, यहाँ तुम्हारी मशीन नहीं चल रही है, दिमाग चल रहा है ना सबका? वो प्रॉपर चल रहा है जी। कितने पैसे हुए? 4,000। लो ये तो 3 ही है जी। रुको, चलेगा जी। ये लो जी आपकी गाड़ी की रसीद। थैंक यू। सेकंड गेट के पिछले वाली पार्किंग लॉट पे मिलेगी। हाँ जी मैडम जी, थमागनी पधारो हमारे देश। कोई ऑप्शन छोड़ा है आपने? जय राम जी की। भाई साहब, दिल्ली जाना है। घंटे और तेज चलाओ तो यही स्पीड है जी अपनी पिछले 11 सालों से। वेरी गुड। हे क्या कर रहे हो? पिछले 32 घंटे से सोए नहीं है मैडम, लगातार चला रहे हैं नॉन स्टॉप। गरीबों की तो कोई औकात ही नहीं है, बस घिसते रहो साबुन की तरह रगड़ रगड़ के। देखो बॉस, तुम सीधा चला पाओगे या नहीं, या दूसरी गाड़ी ले लो। ले लीजिए आप दूसरी गाड़ी। What? Are you crazy?
तुम ऐसा नहीं कर सकते। आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए, मैं दूसरी सवारी ले लेता हूँ। अरे कहाँ जाएंगे भाई साहब? How dare you speak to me like this? देखो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, ठीक है? सीधी तरह गाड़ी स्टार्ट करो, पैसे लिए ना। अरे तो क्या जान लोगी? अरे बहन जी आप सब ठीक तो है? क्या ठीक है, गाड़ी हायर की थी दिल्ली जाने के लिए, अब कह रहा है कि नहीं जाएगा, कह रहे दूसरी गाड़ी ले लो। तो अभी आप ही ने तो कहा था। कहाँ जाएंगे भाई साहब? अबे तूने पी रखी है क्या? हैं इधर लेके जाता क्यों नहीं सीधे सीधे? कोई जबरदस्ती है का? हमारी गाड़ी है, जिसे चाहे बैठाएं, जिसे चाहे उतारें। अच्छा गाड़ी तुम्हारी है लेकिन मैंने हायर की है, ठीक है? बोल तो ऐसे रही है जैसे खरीद ली हो। अबे एक फोन घुमाऊंगा सड़ा दूंगा सारी जिंदगी अंदर, तमीज नहीं है कैसे बात करते लेडीज से? रगड़ दो जी, आप भी रगड़ दो। अरे सारी दुनिया ने ठेका लेकर रखा है गरीब की धुलाई का। अबे दूंगा एक घुमा के ना, जबड़ा घूम जाएगा सारी जिंदगी रिवर्स में गाड़ी चलाइयो। नहीं देखिए प्लीज आप मत लड़िए। अजी आप चिंता ना करो जी, ऐसे लीचड़ों से डील करना बहुत आता है मुझे, जाएगा कैसे नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर मैं भी चलता हूँ। डोंट वरी जी। चल बे दिल्ली, ओए आप टेंशन मत लो जी, मैं चल रहा हूँ ना, चल अब चला सीधे सीधे गाड़ी, और जब तक दिल्ली ना आए ना गाड़ी तो क्या अपनी सांस भी मत रोकियो। तो क्या ना जी कि रोडवेज की बस 2 घंटे लेट चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जेंट रहेगा ना साथ में तो कंट्रोल में रहेगा ये। लेकिन आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ओए तू फिर शुरू हो गया, और निकालूं बेल्ट? वो आपने जी मुझे बस रास्ते में छोड़ दियो आप। कहाँ? वही वो रास्ते में जी चांदनी चौक के पास। What? आप दिल्ली से हैं? दिल्ली से हैं आप? नहीं क्यों, दिल्ली जाने वालों को सिर्फ दिल्ली से होना चाहिए। हाँ जी ये भी रही है, वो तो कश्मीर से भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड है कश्मीर से? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से, दिल्ली में कहाँ? चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी में कहाँ? 9th main में कहाँ? बंगलो नंबर 44, आप गए वहाँ पे? बंगलो नंबर 44 9th main चाणक्यपुरी दिल्ली ना, मैं तो कभी नहीं गया वहाँ पे। जलानी में मरवाएगा क्या कुंभकर्ण के औलाद? आगे तो सो रहा था ये। ओए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अजी आप टेंशन मत लीजिए जी, दिल्ली जयपुर बहुत अप डाउन किया मैंने, इस रोड पे तो आंख बंद करके गाड़ी चला सकता हूँ मैं। आंख बंद करके तो ये भी चला रहे थे। अरे ठीक से बैठ यार। डरती बहुत है आप बहन जी, क्या है ना जी कि दोस्त आपका नहीं है वो न्यू दिल्ली वाले ना बहुत डरते हैं। मैं ओल्ड दिल्ली से हूँ जी, चांदनी चौक से सुना होगा आपने, बस वहाँ पे जो अपना शीशगंज गुरुद्वारा है ना जी, वहाँ घर है जी मेरा, लेकिन काम करोल बाग में करता हूँ। रोज 11 मिनट लगते मुझे अपने स्कूटर से करोल बाग पहुँचने, वहाँ पे अपनी दुकान है जी, लेडीज ड्रेस मटेरियल और साड़ी, मतलब कि अमेरिकन सिल्क, इंडियन सिल्क, ढाका सिल्क, जॉर्जेट, पॉपलिन, जो कही है तो अजी रिटेल होलसेल दोनों है। वो उधर नत्थूराम हलवाई की दुकान है ना जी, ठीक सामने वाली गली में, कभी अगर आना हुआ तो। कौन सी गली में? नत्थू हलवाई जी। नहीं जी उसके सामने वाली। आप सामने देखिए चलाइए प्लीज। अजी ये जिंदा लाश चलाने दे तो ना, और ठीक से बैठो। बहन जी मैं सोच रहा था कि अगर आप माइंड ना करें तो। अच्छा बहन जी क्या काम क्या करती हैं आप? बैंकिंग में। अच्छा बैंक में, कौन से वाले बैंक में जी? मतलब कि जहाँ पे नौकरी करती हैं आप, कौन सा वाला बैंक है वो? कोई ऐसा वाला बैंक नहीं है, इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिक्योरिटीज। अच्छा अच्छा समझा, तो मतलब वो हेड ऑफिस वाले ब्रांच में पोस्टिंग होगी आपकी? नो यू नो व्हाट फॉरगेट इट। हाँ जी समझ गया, आप भी कह रही होंगी चांदनी चौक के रेडियो वाला समझेगा आपकी हाई फाई बैंकिंग है ना। आई डोंट मीन इट लाइक दैट। ये नहीं कोई बात नहीं जी, वैसे मैं जैसे दिखने में हूँ ना मैडम वैसा हूँ नहीं, मैं लोमड़ी से तेज दिमाग है जी मेरा। लोमड़ी जी वुल्फ बॉक्स।
और जी फॉक्स वुल्फ सेम फैमिली कजन ही तो हुए ना जी। वैसे आपको नहीं बताना तो इट्स ओके जी। ऐसा है तो लेट मी टेल यू इन डिटेल व्हाट आई डू। हां जी ठीक है। बेसिकली हम बिजनेसेस की कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बाय द वे ऑफ आउटराइट परचेस या सिक्योरिटी सेल्स जो इश्यूअर ऑफर करता है। ये हम करते हैं थ्रू स्टैंड बाय अंडरराइटिंग और बेस्ट एफर्ट सेलिंग टू द यूएस मार्केट स्पेशलाइजिंग इन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स। गॉट इट? समझ गया जी। मतलब आपका और मेरा प्रोफेशन एक ही है जी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन पॉपलिन। और जी देखिए आप अमेरिकन डॉलर बेचते हैं मैं अमेरिकन जॉर्जेट बेचता हूँ। है ना जी? नाउ आई गॉट इट ऑल। अच्छा म्यूजिक कौन सा म्यूजिक सुनती है जी आप? मैं बताऊं जरूर इंग्लिश सुनती होगी आप। आपको देख के लगता है जी मुझे तो नहीं। Last time is beating. कहाँ तक पहुँचे? उठ गए आप? लगता है सफर में सोने की बीमारी है जी आपको। Where are we? वो क्या है ना जी कि अभी अभी शाहपुरा क्रॉस किया हमने, आगे बेरोर आएगा, फिर अपना दारू एरा, फिर गुड़गांव। शाहपुरा? हम तो अजमेर जा रहे हैं। अजमेर कोई चांस ही नहीं है जी, अजमेर क्यों जाएंगे? आप किसी से पूछ लीजिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए जी, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, दो घंटे बाद घर पे होंगी आप, अपने बिस्तर के अंदर टीवी देख रही होंगी। ये लेकिन बेरोर वाला ब्रिज आया क्यों नहीं अभी तक? और ये कच्ची सड़क कहाँ से आ गई? अरे ये तो कह रहा है मुंबई 950 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हो आप? उल्टा चला रहे? चांस ही नहीं है जी, उल्टा क्यों जाएंगे? वो तो 10 किलोमीटर पहले वो एक डाइवर्जन लिया मैंने, एक बड़ा यूटर्न, फिर दो मुन्ने मुन्ने यूटर्न लिए थे। उल्टा जा रहे हैं आप? बाय गॉड जी, पूरी रोड चेंज करके रख दी उन्होंने 2 साल में। देख लीजिएगा मैं पेन देता हूँ, ये गवर्नमेंट टिकने वाली नहीं है। चुप रहिए, चुप शट अप। भाई साहब एक बार ड्राइवर इसका नाम क्या है? ओए उठ जा भाई, बहन जी पूछ रही है कुछ। अरे गबरू की अम्मा अलाकान काहे हो रही है? क्या हुआ? अबे क्या बक रहे हो, उठो, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है हमें। अजी कहाँ लेके जा रहे हैं, सब लोग दिल्ली तो जा रहे हैं। यू से स्टॉप द कार, स्टॉप इट। लो जी कौन सी बड़ी बात हो गई, अभी रोक देते हैं। हम है कहाँ? एक मिनट मैडम बताता हूँ। This is the worst car I've traveled in. ये कर क्या रहा है? सीरियस? लगता है पहले क्रिकेट स्टेडियम में रोलर चलाता था ये। आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। व्हाट? हम हैं कहाँ? पता नहीं मैडम। इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। क्यों? 11 साल से गाड़ी चला रहे थे ना? शिमला मनाली रोड पे चलाते हैं मैडम। Why am I not surprised? अजी इस गधे से क्या पूछ रही है, ये तो वहाँ जाके सड़क सूख रहा था। चले बैठ पीछे, आप टेंशन मत लीजिए बहन जी। अरे रास्ता ही गुम हुए है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। अभी स्टार्ट पे जाने। हाँ हेलो विक्रम, मैं वो क्या हो गया जी, बैटरी खत्म हो गई? वो कौन सी बड़ी बात हो गई, आप मेरा फोन ले लीजिए, लीजिए लीजिए। टॉक टॉक। अच्छा मैं उधर देखता हूँ। बड़ा बबलू मैं तो कह रहा हूँ ना, कार्बोरेटर चक्कर, कार्बोरेटर वहीं आता है कचरा हमेशा।
कहा 1980 की बात लेकर बैठे, फूल इंजेक्शन गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं होता। अरे नहीं होता तभी गाड़ी बंद पड़ गई। कार ब्रोक डाउन। विक्रम डोंट गेट हाइपर। नहीं मैं पहुंच जाऊंगी, तुम वहीं पे रुको। अभी दोस्त को फोन कर रहे हैं, आएगा आकर बना देगा। मैकेनिक है। कितनी देर में आएगा? बहुत अच्छा, 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। मट्टी जाएगा। मैंने बस इतना बताने के लिए फोन किया था कि थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। ओके जस्ट रिलैक्स, वी आर फिक्सिंग इट। ओके आई एम लीविंग नाउ, चलो बाय। थैंक यू। वेलकम जी। हो गया? हो जाएगा जी, सिखा दिया नाड़ी को। आप टेंशन मत लीजिए, आप मट्टी खाइए मट्टी। मेरी स्पेशलिटी है जी मट्टी विद रेड चिली पिकल, रेडी टू ईट इन 2 सेकंड्स। नूडल को तो फिर भी लगते हैं 2 मिनट। मुझे भूख नहीं है। और कितना टाइम लगेगा? ये कोई 1-1.5 घंटे। व्हाट? मैकेनिक को आने में। मैकेनिक? कोई बड़ी बात नहीं है जी, वो कार्बोरेटर में थोड़ा सा पंगा है। बबलू ने फोन करके बुलाया अपने दोस्त को, बबलू अपना ड्राइवर नाम रखा है मैंने उसका। अब 1.5 घंटे के लिए हम लोग क्या करने वाले? फिट हो गया जी मामला। अब ट्रक से जाएंगे दिल्ली। अरे दिल्ली ना सही, आगे किसी ढाबे पे छोड़ देंगे धर्मपाल जी, ड्राइवर का नाम है ट्रक के। I don't know. अजी बाय गॉड यही नाम है जी, मैंने पूछा उनसे धर्मपाल। आई डोंट नो, अगर मुझे ट्रक से जाना है मैं यहीं पे रुकती हूँ। यहाँ पे? अजी 1.5 घंटे इस ठंड में यहाँ क्या करेंगे आप, वो भी इस गधे के साथ? अजी मैं तो कहता हूँ चले चलो, आप वहाँ पे जाके इसे फोन कर देंगे, गाड़ी ठीक कराती कहाँ पे लेके आनी है, और डिनर शिनर भी हो जाएगी, है ना? चलो जी आप आइए आइए। अरे आइए ना मैडम जी, आइए। सब सामान गाड़ी के डिक्की में छोड़ के आए हैं, ठीक है ना? अजी आप बेकार टेंशन लेती हैं, कुछ नहीं होगा जी सामान को। मेरे भी 3 बैग है ना वहाँ पे, लेके आएगा बबलू। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। राइट, फर्स्ट टाइम इन द ट्रक? या, इट्स क्वाइट हाई। अजी हाई है और सेफ है। क्यों धर्मपाल भाई, हाँ क्या तो धौंस होती होगी ना इस सवारी की सड़क पे, हाँ हाईवे पे हुकूमत। हमारा टेम्पो और क्या स्कूटर है। ओ यार 10 मिनट हो गए, तुम तो एकदम छटप्पी हो गए, क्या बात है? ब्यूटीफुल मैडम से शर्मा रहे हो क्या? हैं हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है धर्मपाल जी, तो सुनाओ ना कोई किस्सा। मोदी के मतवाले राय वाला है, मोदी के मतवाले राय, वो शो आता था जी रेडियो पे। कहाँ पे आता था? रेडियो पे। क्या किस्सा सुनाए बाबूजी? ओए कुछ भी सुनाओ यार, कुछ टाइम पास तो होवे। एक बार यूपी पटना हाईवे पे हम अपना ट्रक लेकर जा रहे थे बाबूजी, और हाईवे के बीचों बीच में एक डीजल टैंकर उल्टा पड़ा हुआ था बैस से टकराकर। ओए होए, हुआ क्या कि मेरा ट्रक सीधे जाकर चढ़ गया उसके ऊपर, और उसके बाद जो उसकी गर्दन मेरे ट्रक के दोनों पहियों के बीचों बीच में, मतलब एकदम मुंडी फुल। अरे मुंडी फुल क्या बाबूजी, मुंडी गुल। उसकी दोनों सींगे ना उसकी गर्दन में एकदम धंस गई, खून के फव्वारे निकल रहे थे जी, फुर फुर करके एकदम। 4 टुकड़े बाबूजी, 4। गर्दन की नस कट गई होगी, पता नहीं बाबूजी। एक बार मैंने ना एक दुम्बे को ऐसे कटते हुए देखा था बकरीद पे, वो दुम्बे समझती है ना जी, शीप्स। वो क्या था ना कि कसाई की छुरी की धार थोड़ी कम थी, उसने वो मारा और आधी नस ही ना ऐसे रह गई। ओ कुछ नहीं होता जी, फेंक दीजिए फेंक दीजिए। पैसे अरे मैडम जी क्यों शर्मिंदा कर रही है, हमारी घरवाली पेट से है, बस दुआ कीजिए कि ऊपर वाला सब अच्छा कर दे।
अबे इतनी बड़ी बात अभी सुना रहा है तू? अरे धर्मपाल जी, आप क्या हमेशा रेडियो पे इंग्लिश गाने सुनते हैं? अरे नहीं मैडम जी, वो तो हमने आपके लिए लगाए थे। मेरे लिए? जी, हमने सोचा कि आप अंग्रेजी गाने सुनती होंगी और इन्होंने सोचा कि तू सुनता होगा। चल भाई रब रखा, फोन करके खबर कर दियो क्या हुआ। अगर बेटी हुई ना तो पेड़े मैं भेजूंगा। आजी जी जंप कर जाइए, ट्रक से जंप तो क्या नहीं होगा कभी। All the best. चल भाई दिल्ली पहुंच के फोन करता हूँ मैं। That's so sweet. मैं यही सोच रही थी कि ट्रक वाले इंग्लिश म्यूजिक कब से सुनने लगे। अजी देखिए संभालिए, आप ठीक तो हैं? हील भी तो कितनी बड़ी बड़ी है ना बहन जी आपकी। मैं यही सोच रहा था कि ये लेडी लोग इतने बड़े बड़े हील्स क्यों पहनते हैं। लेकिन ये हील्स ऐसे सड़कों पे चलने के लिए नहीं है। इसे ऐसी वैसी सड़कें ना समझिएगा बहन जी। मैंने सुना है यहाँ लोग मर्सिडीज से आते हैं खाना खाने ढाबे पे। आलू भिंडी, आलू जीरा, आलू बैंगन, आलू मेथी, आलू गोभी, मटर पनीर और कोल्ड ड्रिंक्स भी है जी। और बताइए बहन जी क्या लेंगे आप? एनीथिंग। एनीथिंग? अजी एनीथिंग तो नहीं है इस मेन्यू में। कुछ तो लेंगी? नहीं रियली, खाने के मामले में एज लॉन्ग एज तेल की कम है, जगह इज आस्किंग फॉर टू मच इन दिस प्लेस। अजी अभी पता करते हैं जी। और बेटा शाबाश, बाकी आजा बेटा। ओह थैंक यू। क्या बात है, कंबल भी लेके आया तू। क्या नाम है तेरा? सनी। सनी, अरे मेरे सनी, एक काम कर, नॉन वेज खाती है? वेज। ओए मर गए। तू एक काम कर, तू दो दाल मखनी, दो आलू जीरा, दो पिंडी चना और दो बूंदी रायते, और साथ में चार नान और चारों पे ढेर सारा, एक काम कर दो पे मक्खन और दो बाद में मक्खन डाल के लियो, समझ गया ना? इट्स टू मच। बट आम तो मगरमच्छ ने जी। और सुनिए सर, सनी ना मैडम जी को देख रहा है, मुंबई से आई है, पिक्चर में काम करती है, हीरोइन है फिल्म की, देखा होगा ना टीवी पे हैं? देख बेटा अगर तेरे काम से खुश हो गई ना तो तुझे मुंबई लेके जाएंगी और अपनी नई फिल्म सितारे आसमान में हीरो बना देगी। क्या में बना देगी? हीरो बना देगी। अबे हीरो कहाँ से आ गया, तुम्हें सितारे आसमान पे बोल रहा था, तू जा, तू भाग के लेके आ, शाबाश, जा जा दौड़ के। ये क्या स्टुपिडिटी थी? अजी करना पड़ता है जी रोप डालने के लिए। अभी देखिए क्या कमाल की सर्विस देते हैं ये लोग। बाय गॉड, अगली बार आपको कमाल की सर्विस चाहिए ना मेरा नाम मत लेना, ओके? अजी कौन सी बड़ी बात हो गई। ओए बेटा पंखा घुमाइयो इधर। पंखा? हाँ रहने दे, बहुत ठंड है। भाई वाह, स्वाद आ गया जी स्वाद। अरे ये क्या कर रही है, रोटी का मुंह पोंछ रही है। आपके पास ऑयल रिमूवर क्रीम तो होगा ही, उसे लगा लो रोटी पे। कमाल जी कमाल है। कर रहा है जी खाना? It's okay. ओए शुक्र है तेरा, आपने पिंडी चना तो लिया ही नहीं। It's too oily. अरे देख गांव का घी है, हेल्थ के लिए A1 है, थोड़ा सा ट्राई करिए। देखो आप खाओ खाओ। क्यों डाला मेरे प्लेट में? I hate people touching my plate. अरे तो ठीक है जी, मत खाइएगा, जबरदस्ती थोड़ी है। कौन सी बड़ी बात होगी। वाह जी वाह, मजा आ गया जी आज। और तो हंस कर रहा है, जा पानी लेके आ ठंडा। क्या हुआ जी? माय गॉड, बगल का लगता है जी। आई कांट डू दिस एनीमोर। अजी कुछ नहीं होता, इतने मसाले और बॉयल होने के बाद क्लीन हो गया होगा, टेंशन मत लो जी, आप खाओ चुपचाप। आप प्लीज उस ड्राइवर को फोन कीजिए। बबलू को? हाँ। वो तो बेचारा सो भी गया होगा अभी तक। लाइए मुझे दीजिए।
शंकर देख के सांप तो नहीं आ गया? सांप कॉकरोच कॉकरोच एक मिनट ये लीजिए मर गया जी आप सब हंसना बंद करो कॉकरोच थी मैडम मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है कॉकरोच इज द वर्स्ट थिंग ओ चुप करो बस बहुत गया मजाक आप फोन करो जी फोन का फोन मैं जी अभी आप ही को दे दिया था अजी यही होगा जी कहाँ जाएगा I'm really very sorry, भाई साहब मुझे नहीं पता नहीं कैसे ये फोन मेरे हाथ से अजी कोई बात नहीं जी ये तो गिरता रहता है वारंटी में है बनवा लूंगा दिल्ली जाके ठीक हो जाएगा अजी एक बार तो ये कमोड में गिर गया था मुझे लगा गया लेकिन दो दिन में बना के दे दिया उन लोगों ने अब ड्राइवर को कैसे फोन करेंगे मैं भी यही सोच रहा था जी मुझे लगता है मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा और जुज्जर सिंह जी जी और कोई सवारी वारी मिलेगी इधर कोई स्कूटर 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 तो नहीं जी साइकिल है साहब जी साइकिल वो भी चलेगी भेजो उसको हाँ जा बेटा सन्नी साइकिल निकाल गला लेके आ बेटा जल्दी मैं भी चलूं साथ में अजी आप कहाँ जाएंगे आप यहाँ पे वेट करो आराम करो मैं पता करके आता हूँ लग गया ना जी कोई आवाज नहीं आ रही मामा जी मैं भी जाऊंगे साथ में चल जा बेटा चल 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 बेटा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा आई आई शाबाश आई यार को इतने बात नहीं तो साइकिल ऐसे आई शाबाश अच्छा ये बता तू स्कूल क्यों नहीं जाता बे हैं सारी जिंदगी मामा जी की प्लेटें धोनी है उनसे बोल ये ढाबे छाबे से निकाल के किसी अच्छे से स्कूल में भर्ती करा दे काहे में भर्ती करा दे स्कूल में अरे अरे वाह तू तो बड़ा होशियार है किसी को ऐसे घुरना बुरी बात है शंकर तुझे तहखाने जाना था ना चल जा चल जा ये आवाज क्या थी ये भेड़िया है मैडम जी भेड़िया like actual भेड़िया अच्छी जंगल है ना आसपास घूमते फिरते आ जाते हैं अक्सर आपको डर नहीं लगता डरने की बात नहीं है मैडम जी ऊपर नहीं आते बेवजह सांपों की तरह सांप अजी सांप तो आ जाते हैं जी बरसात के सीजन में तो ढेरों निकल आते हैं लेकिन अब की तो मैंने परसों देखा ही है ये लंबा सांप इधर से निकल के गया जी लेकिन बेचारे कुछ करते नहीं उल्टा हमारे ढाबे के आधे से ज्यादा चूहे खाया मैडम जी आपको खाना कैसा लगा ओ 10 किलो वजन कम हो गया होगा मेरा चैलेंज बाय गॉड ओ जुज्जर सिंह जी ओ चाचा बनाओ यार ओए होए गाड़ी कहाँ है है जी गाड़ी ओ जी गाड़ी तो चली गई जी टो के उसका फ्यूल लीकेज था जी वो टो करके लेके चले गए जी अब आप क्या जी अब दूसरी सवारी करेंगे लेकिन ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं दूसरी गाड़ी भेजनी थी ना वो तो है जी लेकिन ये इंडिया है जी अब तो दिल्ली जाके कंप्लेन करना पड़ेगा जी आपको इसीलिए तो सारा सामान लेके आ गया मैं वापस मेरा बैग है जी मेरा बैग आपका कौन सा बैग जी मेरा काला सूटकेस Oh, my God.
यार तभी मैं कहूँ मैं क्या भूल गया सारे रास्ते। आप मेरा बैग गाड़ी में भूल आए। अजी तो कौन सी बड़ी बात होगी, रिसीट तो है हमारे पास, कार वालों को फोन कर देंगे वो सामान लेके आ जाएंगे, और नहीं तो क्या। रिसीट गाड़ी में थी है जी। ली आपने? अरे लेकिन कार के ड्राइवर का नाम तो पता है ना जी, बबलू। वाओ, क्या करूंगी मैं उस नाम का। मेरी सारी चीजें थी उस बैग में, मेरे कपड़े, मेरे फाइल्स, सब कुछ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अजी चीजें ही तो गई है ना जी, चीजों का क्या है बहन जी, वो तो आती जाती रहती हैं। उसके बारे में ज्यादा नहीं रोना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ना जान है तो जान है, और जान तो नहीं गई। आप मेरे फ्रेंच एल्प्स के स्प्रिंग वाटर के साथ कुल्ली कर रहे हैं? तो कौन सी बड़ी बात हो गई जी, आप भी ना एक पानी की बोतल को लेके पीछे पड़ गई, अभी लिए देता हूँ मैं। ओए जुज्जर सिंह जी, 2 लीटर मिनरल वाटर दे देना बहन जी को। कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? आपके लिए बड़ी बात है क्या? हाँ, जब जंगली भेड़िया अंदर घुस के हम पे अटैक करे और हमें खा जाए, तब होगी आपके लिए बड़ी बात। और आप बहन जी, आपके लिए तो हर बात बुरी बात ही है। आपको पता है आपका तो गुड भी ना नॉट टू बैड से शुरू होता है जी, पता है? You know, that's it. I've had it. You are the worst person I have ever met. अच्छा, मैंने क्या किया? आपने क्या किया? हाँ जी बताइए क्या किया। आपके वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई। मेरी वजह से? हाँ, आपने अपना घटिया रिक्शा उस ग्रीन सिग्नल पे रोका था, और फिर फ्लाइट पे आपकी चप्पड़ चप्पड़ की वजह से मुझे फोर्सफुली अपने कान बंद करने पड़े। पता भी नहीं चला कि फ्लाइट कब जयपुर में लैंड हुई। अच्छा हुआ जी, दिल्ली एयरपोर्ट की प्रॉब्लम भी ना मेरे सिर पे ही मर दो। और फिर जबरदस्ती मेरे गाड़ी में घुसाए। वो मैं आपके लिए लिफ्ट ली थी, मैं उल्टा चलाया। आपके लिए लिफ्ट ली थी मैंने, वो मेरे लिए? जी हाँ, ताकि वो भूखा भेड़िया बबलू, उसके पंजे में मैं अकेली बेसहारा औरत को कैसे छोड़ देता भाई। व्हाट, अकेली बेसहारा औरत? हाँ। Do you have any idea who I am? हाँ? मैं अकेली बेसहारा औरत एक 200 करोड़ की कंपनी चलाती हूँ। मेरे 635 एम्प्लॉय डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करते हैं। आप जैसे लोगों को ना मैं अपने ऑफिस में क्या, ऑफिस की बिल्डिंग के कंपाउंड में भी नहीं भटकने दूँ। अजी जाएगा कौन आपके कंपाउंड में भटकने के लिए है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे मर्द एक औरत के अंडर में काम कैसे कर लेते हैं। क्योंकि आप जैसे मर्दों के लिए औरतों को तो घर में ही बैठना चाहिए, ताकि आप बाहर जाकर आवारागर्दी करें। मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ। बाय द वे बहन जी, मेरी बीवी भी ना सारा दिन घर में रहती है और उसे बांध के नहीं रखा मैंने, समझी ना? किस एंगल से मैं आपको बहन जी लगती हूँ? लो जी, अब हिंदुस्तान में औरतों को बहन जी कहना भी ना पाप है। आप रहने दीजिए जी, आप मुंबई वाले क्या समझेंगे दिल्ली वालों को। मैं बहुत सारे दिल्ली वालों को जानती हूँ, ओके? लेकिन कोई आपके जैसे ना मुंह खोल के नहीं खाते और गंदी गंदी गालियां नहीं देते, वो भी औरतों के सामने। हाँ जी, हम हिंदी में दे तो घटिया है, और ये अंग्रेजी में दे तो बहुत बढ़िया है। Just shut up. साहब, मैंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो पब्लू बता रहा था यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे नुआ स्टेशन है, रोज सुबह गाड़ी जाती है वहां से दिल्ली के लिए, मॉर्निंग में वही पकड़ लेंगे। ओके, थैंक्स। इस जस की मेरा माइग्रेन बहुत बढ़ गया था, एंड आई जस्ट ऐसा
कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? जय सिंह जी बता रहे थे कि उनके पास एक ऊंट गाड़ी है जो हमें किसी जीप तक पहुंचा देगी और फिर वहां से क्या देख रही हैं आप? It's so beautiful ना? मैंने ऐसा सनराइज कभी नहीं देखा। तो जी ऐसी क्या बात है सनराइज में? ये तो रोज ही होता है। पर उसके खूबसूरत होने का एहसास रोज नहीं होता। और अगर मैं यहाँ आपके साथ नहीं होती ना भाई साहब, तो मुझे ये कभी नहीं दिखता। And I'm sorry, कल रात मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। वो एक्चुअली मेरा माइग्रेन थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया था। अजी कोई बात नहीं जी, कभी कभी दिमाग की गर्मी हुई मत्थे चढ़ जाती है। ये लीजिए जी टूथब्रश। वैसे आपको एक बात बताऊं, कल आपको इतना हैरान देख के मुझे तो डर लग रहा था कहीं आप रोने ना लग जाएं। मैं कभी नहीं रोती। मैं भी कभी नहीं रोता जी। मैं रुलाती हूँ। और मैं हंसाता हूँ जी। इनफैक्ट पता है आदमी को जब रोना है तो क्या करना चाहिए? क्या? जोर जोर से हंसना चाहिए जी। बिलीव मी जी, सच है, अगर आप दुखों का मजाक उड़ाए ना तो रूट के चले जाते हैं। इसीलिए जब भी मुझे रोना आता है मैं जोर जोर से हंसता हूँ। Interesting. हाँ जी। Thank you. सुबह सुबह अगर मुझे चाय ना मिले ना तो फ्यूज हो जाता है जी। हाँ फिर से याद आया, आपका ये जो सिर दर्द है ना, जो माइग्रेन, जी हाँ वही, इसका एक गारंटी इलाज है मेरे पास। मुझे साउथ के एक बाबा ने दिया था। अच्छा ये देखिए। वाओ, ये है क्या? आयुर्वेदिक मलम है जी। वो मेहंदी के फूलों को सिरके में डाल के और हाथी के गोबर में मिक्स करके। ओके ओके ओके। क्या हुआ जी? ये वन नुस्खा है बाय गॉड। आई एम श्योर, लेकिन आपका हाथी का गोबर सुनकर ही बेटर हो गया। थैंक यू। आप जीना जी ठीक है। अच्छा, मुझे हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है, यहाँ कुछ मिलेगा क्या खाने के लिए? ये कीना अपने बात। ओ शंकर, और नाश्ते में क्या है? आलू पूरी। नुआ स्टेशन है, मैं वहां से ट्रेन पकड़ के आ रही हूँ दिल्ली। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, जस्ट मीट मी एट दिल्ली स्टेशन एट 2:00। हाँ ओके चलो। कल बनी है दिल में मन में फूटे रसगुल्ला।
आ गया नोवा स्टेशन फाइनली। हाजी मुझे तो स्टेशन देखते ही ना भूख लग जाती है, सुबह के आलू पूरी कप के हवा हो चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग चल के पहले कुछ पेट पूजा करते हैं। नहीं आप जाइए, मैं चलती हूँ। अरे आप चलती हूँ कहाँ, हम लोग साथ में तो जा रहे हैं दिल्ली। नहीं मैं फर्स्ट एसी का। अजी फर्स्ट एसी, अजी लूटते हैं जी फर्स्ट एसी वाले, कहाँ फर्स्ट एसी के चक्कर में पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूँ 3-4 घंटे का सफर है, जनरल डब्बे में ही चलते हैं। आई नो, इसीलिए मैं अपना टिकट ले लेती हूँ, आप अपना ले लीजिए। वैसे भी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ना दिल्ली स्टेशन। हाँ लेकिन आप अकेली जाएंगी कैसे? इतना तो मैनेज कर लूँगी। ओके और भाई साहब आई एम रियली सॉरी वो फ़ोन के लिए। हाजी कोई बात नहीं जी, कौन सी बड़ी बात हो गई है। सॉरी तो मुझे आपके वाटर के लिए और आपके बैग के लिए कहना चाहिए। वेरी सॉरी जी, कहा सुना माफ़। और कभी अगर आपको करोल बाग आना हो ना तो भूलिएगा मत, तो मुझे ज़रूर मिलेगा जी। ओके हाँ जी ओके, गुड बाय भाई साहब। फर्स्ट ए सी लोहारू एक्सप्रेस टू दिल्ली, 1 टिकट प्लीज। मैडम 324। बैग काट दिया, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। आपकी भी? कौन है कंबख्त? मिर्चा, मैं किस नौकरी में फंस गया? इससे अच्छा तो फुफा जी की ट्रैक्टर एजेंसी थी, उसी में काम कर लिया होता। बताइए जगह कहाँ है? अरे किसी गधे ने चेन पुल कर दी भाई। दो भाई। वो तो तब करूंगा ना, पहले हत्या तो लगे। बताइए ट्रेन लेट करवा दी। किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी? ठीक
बड़ी डिस्गस्टिंग आदमी है, आपको नहीं पता? पब्लिक प्लेस में थूकना क्रिमिनल ऑफेंस है। अजी चलती ट्रेन को चेन खींच के रोकना उससे भी बड़ा ऑफेंस है, लेकिन खींचता नहीं तो आप ऊपर कैसे आती हुई? अगर पकड़े गए तो? अजी चांस ही नहीं है, एसी डब्बे में जाके खींची है, टीसी किसी और को खोज रहा, देखा नहीं आप? बैठने की जगह मिलेगा? अजी वेयर देयर इज अ बिल देयर इज अ सीट। अरे इधर 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 है, विंडो सीट है 56, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए। मेरे पास टिकट नहीं है। हाँ जी मेरे पास टिकट नहीं है। क्या आपके पास टिकट नहीं है? अरे आई वाज जस्ट जोकिंग। ठीक है कोई बात नहीं, 20 साल का था ना तब से सफर कर रहा हूँ मैं ट्रेन में, आज तक टिकट नहीं खरीदी, कभी रिजर्वेशन नहीं कराया, डायरेक्ट सेटिंग फ्रॉम टीसी। घबराइए मत, हवा गई हवा गई। लेकिन अगर फाइन भरनी पड़े तो? अजी कोई फाइन नहीं भरनी पड़ेगी, मैं हूँ ना, टेंशन मत लीजिए आप। अपनी बंगाली सीखी आपको कैसे मालूम हुआ? अरे अब भाभी जी के झूलने वाले झुमके से, और कैसे, ऐसे झूलने वाले झुमके सिर्फ बंगाल की लेडीज पहनती हैं। करेक्ट बोलती ना मैं भाभी? एकदम करेक्ट। ये सुंदर साड़ी है, यही यही तांत का साड़ी है, तातुशा। हाँ ये अच्छा किया उन्होंने, कलकत्ता को कोलकाता बना दिया, अब जो स्वाद रसगुल्ले में है वो रसगुल्ले में कहा है ना। अब जब कोलकाता बोलते हैं लगता कोई गरम गरम रसगुल्ला मुंह में देके कलकत्ता बोल रहा है। बोल के देखिए कोलकाता। बहन जी ट्राई कीजिए ना एक बार। हेलो अभी मैरिड ना? अपना बच्चा अच्छे? नो किड्स। उमा दुर्गा बच्चा होया उची? यू मस्ट हैव किड्स। या सून? अजी सून सून से लाइफ सुनी हो जानी है। 5 साल हो गए इनकी शादी को। मैं तो कह रहा हूँ बहन जी करियर के चक्कर में बच्चों का सुख मत खोइए, क्योंकि ये लाइफ जो है ना इसमें सब कुछ अच्छे के लिए नहीं होता है, लेकिन सब कुछ बच्चे के लिए होता है। आपसे किसने कहा कि करियर के? ओह जस्ट बिकॉज़ आई लुक लाइक दिस एंड आई ड्रेस लाइक दिस? हां अब तो फिर से बढ़ने लग गई। ऑल ओके ना? यस एवरीथिंग इज ओके, इट्स जस्ट दैट कि बच्चे एक बड़ी जिम्मेदारी है एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट। और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हूँ, हाँ भाई साहब, इफ यू डोंट माइंड। जी मैं तो अपनी बात कर रहा था, मैंने तो शादी के 2 साल में 2 बच्चे हो गए और प्लानिंग 4 की थी। 4 बच्चे? God, a poor wife. अजी कोई पुअर नहीं जी, शूर्पणखा की सास है विवाह, जानती नहीं आप उसको? आपको शर्म नहीं आती सबके सामने अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहे? ओ जी अपनी की उड़ा रहा हूँ, इनकी तो नहीं उड़ा रहा हूँ। अच्छा भाभी जी आपके तो 2 बच्चे हैं, 2 sons, रसगुल्ला वेरी स्वीट, लेकिन बुरा मत मानिएगा, बेटियों का सुख बेटियों का सुख होता है। वो कहते हैं ना, मेरा तो ये कहना है और मानना भी है कि सन इज सन टिल वाइफ बट डॉटर इज डॉटर टिल लाइफ, है ना। अच्छा भाई साहब आपकी तो जेब कट गई थी ना, तो आपने टिकट कैसे खरीदा? चोर पॉकेट भूल गई? वहाँ चोर तो क्या, चोर का बाप भी नहीं पहुँच सकता, 800 तो उसी में है। 800 है चोर पॉकेट में? आपके चोर पॉकेट में 800 रुपए? सफर तेनू बाजे देंदा छड़ दे रोना धोना, खुशियां दी पौड़ी चढ़ ले जांदी ए गड्डी फड़ ले वे, घड़ी तो घड़ी दी जिंदड़ी जाने कलकी होना, सफर तेनू बाजे देंदा छड़ दे रोना धोना, खुशियां दी पौड़ी चढ़ ले जांदी ए गड्डी फड़ ले वे।
झुंझुनू है जी, ये झुंझुनू स्टेशन है। यहाँ के घेवर बड़े मशहूर हैं। घेवर तो खाया होगा आपने? आपने कहाँ से घेवर खाया होगा? ये तो आपकी लाइफ की पहली ट्रेन जर्नी होगी। ऑफ कोर्स नॉट, गई हूँ मैं ट्रेन से जब मैं 9 साल की थी, मुंबई से इलाहाबाद। अच्छा, अंकल की शादी थी। वी हैड अ व्हाट डू कॉल इट, अ होल कूपे टू आवरसेल्व्स। पूरे रास्ते कूदाफंदी, कुछ ना कुछ खाना पीना। फिर तो यहाँ के घेवर जरूर पसंद आएंगे आपको। मैं लेके आता हूँ, चखिएगा। नहीं, नो थैंक्स। गोली तू खाएगा ना? हैं भाभी, एक टेस्ट कर बिन ना। है कर दो। ताड़ा ताड़ी आज आप भी टेस्ट करके देखिएगा। नो थैंक्स। क्यों भाई, कितने की घेवर बिकी आज? हाँ जी, टिकट भाई साहब, टिकट। हाँ जी, आपका टिकट प्लीज। टिकट। ये जो झुंझुनू वाला होते हैं, तेरे शहर के होते हैं? भाई साहब, भाई साहब। हाँ मैडम जी, बुला रहे हैं। लो जी, अभी तेरे घेवर की तारीफ कर रहा था तो आंखें दिखा रही थी। मैडम आपका टिकट। अब इन्हें भी चाहिए। अरे सुनो, एक काम कर, 2 किलो बांध दे। हाँ जी, आपका क्या? मैडम आपका टिकट 56 आपका है? नहीं एक्चुअली मैडम, दादा आप भी साथ? नहीं, वो बाहर गए। हस्बैंड? नो, कॉलीग। उनके पास टिकट है? नहीं, टिकट उनके पास नहीं है। मतलब आपके पास टिकट नहीं है? आप एक काम कीजिए, आप अभी यहीं उतर जाइए। अरे पंत साहब, गैस पाइप में घुसा दो, मैं आपको घेवर कहेंगे। अरे आइए ना, आइए आइए, बड़े मीठे हैं। अरे वो साथ में आइए ना, आइए ना। क्या पंत साहब, कौन सी बड़ी बात हो गई? आप ये डब्बा पकड़िए, डब्बा पकड़िए, समझा पंत साहब? अब आपसे दुश्मनी करके हम सफर कर सकते हैं क्या ट्रेन में? कभी समझते नहीं आप, कभी नहीं कर सकते पंत साहब। अरे आप है तो हम है। आप ये अभी घेवर खाइए, घेवर खाइए, खाइए। अरे और क्या जी, मान ही नहीं रहा था, नखरे कर रहा था, बाद में 400 लिए। मैं ये पैसे आपको दिल्ली में जरूर। क्या आप भी अपने एक स्पेशल कस्टमर के लिए इतना नहीं कर सकता मैं? हाँ? कस्टमर? अरे भूल गई, करोल बाग मेरी साड़ी की दुकान। हाँ? अब तो बर्थडे में, शादी की पार्टी में, स्पेशल फंक्शन में साड़ी तो मेरे यहाँ से खरीदेगी ना। अरे सब मार्केटिंग है बहन जी, मार्केटिंग। यही तो, दिस इज द लेवल ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री। आप पैसे देकर कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। ये भारत वर्ष का ना कुछ नहीं हुए। अरे कैसे होगा, नोवा स्टेशन से जब गाड़ी चली, मैंने टंके की चोट पे चेन खींची, कुछ हुआ? किसने पकड़ा? हाँ, किसने कुछ उखाड़ लिया मेरा? नहीं ना, झुंझुनू स्टेशन पे घेवर खरीद के सबको खिला रहा हूँ। सिस्टम दादा, सिस्टम। प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है, इसीलिए तो कोई भी आदमी कोई गलत काम करने से नहीं डरता। अब देखिए, यूनिफॉर्म हो गया तो समझ लीजिए कि लाइसेंस ही मिल गया। अरे पुलिस वाले से लेके टीसी तक सब बिक चुके हैं साले। रेड कार्ड होता है जी इनका, रेड कार्ड। इनका बस चले ना तो रिश्वत के लिए अपने बाप को भी बेच दे साले। इंस्पेक्टर साहब, मिश्रा जी, मैं कह रहा था कि हमने तो ट्रेन की एक छोटी सी चेन ही खींची है ना, किसी लेडीज की चेन तो नहीं खींची है ना, है ना? एक मिनट, ये लेडीज का चेन खींचने से क्या मतलब है आपका? सर, आई हैव द राइट टू मेक वन फोन कॉल। फोन वोन तो हो जाएगा, लगता आप इंग्लिश फिल्म काफी देखती हैं। ये कौन लगते हैं आपके?
ये दोस्त हैं जी, को पैसेंजर चाहे यात्री, हम लोग नुआ स्टेशन से साथ में ही चढ़े थे और चले थे। जी देखिए, आप लोगों को लंबा फाइन भरना होगा। क्या है मौसा जी? मौसा जी, यही 500 रुपए बचे थे, अगर इसी में ले दे के निपटा दें तो। 500 रुपए से क्या होगा, हा? पूरा ऑफिस मेंटेन करना होता है हम लोगों को। नहीं, कुछ नहीं है, सुनिए सुनिए, हमारी जेब कट गई थी जी, और इनकी भी। नहीं नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा, 5000 रुपये लगेंगे। लो जी, जब हमने देने को कहा तो ठेंगा दिखा दिया। ए, जबर, ट्रेन की चेन खींचने में और यार्ड से पटरी चुराने में बहुत ही फर्क है, चरित्रहीन कहीं के। चुप चाप बैठना। देखिए क्या है कि पप्पू को खोल ले तो साले को यही गोली से दांत देंगे। बिल्लू बिल्लू, हमें ले जाने आया है। अबे शट अप साले, पहचान हो जाएगी। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को जेल में डालने की? ए शट अप, अरे अरे खोल, ऑफिस का टाइम है। अरे भाई साहब, वो क्या है कि हमें लिफ्ट मिल सकती है? धन्यवाद भाई जी। अरे चल चल, चलो चलो। हमारे पूरे खानदान ने मालगाड़ी के नीचे कुछ नहीं लूटा, और तू साढ़े पटरी चुराने के लिए ससुराल चले गया। अबे गोबर ही खाना था तो कम से कम हाथी का तो खाता। ए पप्पू, रे पप्पू, तू भी वो भोली लुगाई है जिसको गांव का हर आदमी खेत में ले जावे। हमारा फॉल्ट नहीं है भाई जी, ये तो उस काम के जने सुशील कुमार की वजह से हुआ है। उसी के आदमियों ने हमारी खबर दी होगी। सुशील कुमार को? ओ, वो दर्जी का बेटा। हाँ बताओ, साला सिलाई मशीन की नाजायज औलाद, उसकी सुई इतनी तीखी हो गई कि मारा ही चुबारा। अरे भाई जी, आजकल साला अपनी गैंग चलाता फिरता है, सुअर का पिल्ला। लो सा, चींटियों के पर निकल गए और गैंगे मंड रही आपको, हैं? उसके गले में टूपा देके उसकी घंटी दबाऊंगा ना, तब समझ में आएगी। चल बैठ गाड़ी में, तो बैठ लाल गाड़ी ले उसके गाँव। आसनगढ़ ले गाड़ी, साले को वहीं जाके कूटेंगे। भाई साहब, ये आसनगढ़ दिल्ली के ऑन द वे पड़ता है ना? सबसे पहले हम गोली दागेंगे साले उस कमीने के यहाँ छाती पर। साला बैरूसिंग गुजर का जोर दिखावा इसकी बहन के, राखी बांधू चीर कर रख देंगे सालों को दो टुकड़े, अब वो भी तिरछे। शाबाश, आप हमें वो कहाँ ड्रॉप करने वाले थे? अबे कौन है भैया ये? भाई जी, वो भाई जी, वो देखो सुशील कुमार के मौसा की गाड़ी। अरे भवलाल, बाहर के बिजरे घुमा घुमा यू टर्न। छोड़ जा मत इस साले को आज। फटाफट इसके कारण मैं थाने में बंद हुआ। अरे भवलाल, तू चला दे। जरा गाड़ी संभाल के चलियो भाई। भैया जी, ये आसनगढ़ जाना जरूरी है क्या? गाड़ी रोक। अब मैं तो कह रहा था कि आसनगढ़ जाना बहुत जरूरी है, वरना ये सुशील कुमार सबक कैसे सीखेगा? यार सड़ी का अंतर ध्यान हो गई इतनी बड़ी गाड़ी। तो भाई जी अभी तो यही थी। अरे देखा करो ना यार तुम लोग। अरे भाई जी, वही वही गाड़ी। अरे ये तो फट गया। कोई बात नहीं जी, ये तो रफू हो जाएगा जी किसी भी दर्जी के यहाँ। पहले हम साढ़े दर्जी की उधेड़ लें, फिर उससे ही रफू करा देंगे। अरे ले ले इसके पीछे, ले ले साबास।
मोहनलाल छोड़ मत सड़क चाहे गाड़ी को हवाई जहाज बनाना पड़े। तेरी ये तो सुशील कुमार के मौसा की गाड़ी नहीं, ये तो टेढ़ा करके लंदन की गाड़ी है। अरे यार कभी गाड़ी गायब होती है, कभी सड़क गाड़ी गलत मिलती है, टेम खुट्टी कर दिया ना बावली गैंग। ले पीछे चल सीधा ठेके पे। अरे दर्जी खड़ी तो चल एक लेजर भी टिकाते। भैया जी हम तो कह रहे थे कि हमें अगर आप यहीं ड्रॉप कर देते तो वैसे भी जीप में जगह बहुत कम। हाँ, हाँ, हमें हमें ड्रॉप कर दीजिए। बाहर पटको ये सामान। गाड़ी रोक। धन्यवाद भैया जी। हाँ ठीक है मेंशन नॉट। धन्यवाद। अजय अजय ठीक से भैया सुशील कुमार जी को जरूर सबक सिखाइएगा भैया जी। आप भी ना किसी से भी लिफ्ट मांग लेते हैं। पता नहीं कहाँ छोड़ के चले गए। चलती चली चलती चली। तीस तीस देखिएगा मत उधर। ओ मैडम दब जाओ दब जाओ। कौन सा हवाई जहाज पकड़ के जाना है? तू मैडम है क्या? देखिए ये आपको शोभा इंग्लिश मॉल का तो नशा ही अलग हो गया। देखिए आप बहन जी को अरे छोड़िए ना आप लोग। अरे पुलिस में जान पहचान है मेरी, आप समझ नहीं रहे। अरे आपका तो लैपटॉप भी गया जी। थैंक गॉड लैपटॉप ही लिया। आप ठीक तो हैं बहन जी? क्या ठीक है, जूते टूटे हैं, कपड़े फट गए, खाली बैग लेके घूम रही हूँ, दो दिन से बाथरूम भी नहीं गई हूँ। अजी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, यहाँ तो सारा खुला जंगल है जी, कहीं भी। रियली वहाँ पे कोई छोटा मोटा होटल मिल जाएगा। अच्छा जी मैं सोच रहा था कि आपके लैपटॉप से वो आपके बैंक का इंफॉर्मेशन चुरा लें तो? कुछ नहीं कर पाएंगे, लैपटॉप की खासियत है फेस रिकॉग्निशन, पासवर्ड प्रोटेक्शन। ये अच्छा है, फिर तो वो उसे बेच भी नहीं पाएंगे। भाई साहब डू यू रियली थिंक आई केयर एनी मोर? हाँ जी चलते हैं चलते हैं। थोड़ी दूर और आ गए जी। बस वो आ गया। बहुत लंबी कहानी है विक्रम, मिलूंगी तो बताऊंगी। Just get me the hell out of here. Vikram, don't shout. I'm tired, I'm fed up, and I just want to go home. कोई रेड टमाटो पैलेस है झुंझुनू जंक्शन गोल चौक मार्केट। ओके जस्ट प्लीज कम सून, आई कांट टेक इट एनी मोर। ओके 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 लव यू बाय। ये लीजिए जी 301 नंबर है अपना। मैं इनसे जरा मेन्यू का पता करके आता हूँ, घेवर खाए हुए काफी देर हो गए, भूख लगी है, खा लो। आप कुछ लेंगे? देखा भूख लगी है,
बता आज का टुडे स्पेशल मेन्यू क्या है? मिर्ची के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, खस्ता कचौड़ी, आलू भिंडी, तंदूरी चिकन, डबल का मीठा, मलाई रबड़ी, और नीचे के हॉल में खास इंतजाम है। मतलब नीचे हॉल में बुफे लगा है? सच्ची? आज हमारे यहाँ नीचे वाले हनीमून हॉल में रंगारंग कार्यक्रम का प्रोग्राम होने वाला है, समझे? ओनली फॉर जेंट्स लोग। अच्छा, नमस्ते भैया जी। अरे ये तो प्योर पश्मीना लग रहा है, बहुत महंगा होगा। चबाइए। अरे भैया जी का पान है, चबाइए चबाइए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा पान है। आइए आपको और मजे कराता हूँ। भैया बैग ना भिजवा देना। बिल्कुल। मेहमान है भाई आप हमारे। इश्क है मेरा जादू टोना, हर कोई चाहे मुझसे मिलना बचना। जिसने भी देखा उसको नींद नहीं है, तौबा रे तौबा का दिल हर अंगड़ाई है, मेरा ही नाम लेकर धूम मचाई है, झुमका मेरा मस्ताना, हर कोई मेरा दीवाना, रब ही जाने कौन बनेगा मेरे दिल का छेला, लैला मैं ऐसे हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना। जो मेरा जलवा कहे वो मस्त मस्त लैला, तू है मस्त मस्त लैला। हाँ,
इन छोटे शहरों के रंगारंग कार्यक्रम की ना बात ही कुछ और होती है जी। बस एक हिंदी फिल्मी गाना बजा दो, डांस कर दो, हाउसफुल हो जाता है जी। मजा आ गया जी आज तो। अरे आप तो फ्रेश हो गई, मैं बाहर बैठा। मैं तो फ्रेश ऑलरेडी हो गई हूँ, आप बैठिए ना। आपके हस्बैंड आने वाले थे ना, मैं देखता हूँ। विक्रम 2 घंटे बाद आएंगे। तो 2 घंटे बाद देख लेंगे जी। खाना ऑर्डर करूं? कितना खाएंगे आप? नहीं जी, मैं आपके लिए कह रहा था। मेरे लिए? No, thank you. अच्छा सोचो, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें एक स्ट्रेंज जगह में, एक स्ट्रेंज होटल रूम में एक अनजान औरत के साथ देखेगी तो क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी जी। Really? जी वो मेरी बीवी है ना, वो इन झंझटों से परे है जी, उसे कुछ नहीं होता। ओके आपका घर का नंबर क्या है? जी 628-3314। अरे क्या कर रही हैं आप? आपके घर पे फोन कर रही हूँ, आपकी खैरियत बताने। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम राइट? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ हेलो, क्या नाम है? मैंने कहा ना उसकी जरूरत नहीं है जी। वो क्या है कि आजकल हमारी बातचीत नहीं हो रही है। मैं फोन करूंगा तो मैं नीचा हो जाऊंगा ना, माफी तो उसे मांगनी चाहिए। आपका फोन जी। हाँ बोलो गोपी। क्या तो मामला लंबा चलेगा जी। पांडे जी और भैया जी छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को जी। पर यहाँ हुआ क्या, वो भी इतनी सडनली? अरे मैडम जी बहुत लंबा किस्सा है, सियासी पंगा है। अरे वो पांडे जी के वो बहनों ही है ना भैया जी, दोनों राइवल पार्टी के, बरसों से मौका ढूंढ रहे हैं जी एक दूसरे से भिड़ने का। आज मौका मिल गया, वो भी हमारे रेड टमाटो में जी। अरे यहाँ इधर अपने होटल में क्या बात कर रहे हैं? अजी नीचे हनीमून हॉल में कार्यक्रम के दौरान भैया जी के कुर्ते पे किसी ने पान की पीक फेंक दी। ओ तेरी। फिर तुम का मेरा मस्ताना, हर कोई मेरा दीवाना, रब ही जाने कौन बनेगा मेरे दिल का छेला लैला। मैं किसने फूंक दिया आपके ऊपर पान खा के? अरे कौन है साला? वो ना देखो साला जुगाड़ी कर रहा, वही होगा। देखो साले को। और उसके बाद भैया जी को लगा कि पांडे जी के आदमी ने किया होगा, जो दुमाओ के मारा। और उसके बाद चिंगारी से लगी आग, और बात वहां से होती हुई यहां से होती हुई गोल चौक पहुंच गई जी, बवाल खड़ा हो गया। अब क्या होगा? अरे होना क्या है जी, पूरी झुंझुनू को जब पेटे में ले लिया, बाहर से गैंगे आ रही है और पूरे शहर में कर्फ्यू लगवा दिया। कर्फ्यू? अब विक्रम कैसे आएगा? ये कमाल है, लोगों को जब तमीज नहीं है पान खाने की तो खाते क्यों है ना? हाँ सज्जन सिंह आएगा पैसे लेकर, अम्मा से छुपा कर नीले दराज में धर दियो, कहीं सबके सामने गिरने बैठ जाए, समझ गई ना? अब बाद में बात करो। अरे डर जा भाई, डर जा। साहब जी आज्ञा पूरा बंद है, झुंझुनू में पांडा गैंग और श्रीवास्तव गैंग के बीच में ठस-ठस युद्ध हो गया इस खुशी में, समझ गए ना? अब आप चलो, जा नहीं सकते यहाँ से। What bloody luck, आज ही होना था ये सब। अंशु आप ही ने थूका होगा वो पान। लो जी अब पूरे झुंझुनू में पान खाने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ क्या? कल को गवर्नमेंट भी गिर जाए ना तो उसका इल्जाम भी मेरे सर पे ही मर देंगी। अरे बहन जी बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिए। कैसे नहीं लूं टेंशन, दंगा हो रहा है बाहर। तो जी कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई?
यू नो भाई साहब, जब से मैं आपसे मिली हूँ ना, मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बड़ी बात है क्या। जब ये लोग अंदर आकर हम पे अटैक करेंगे तब होगी आपके लिए बड़ी बात। हस्बैंड, तुम ठीक हो? अब ठीक हूँ। सर जी, बाहर तो दंगा चालू है। How can you go? दंगा तो कब का खत्म हो चुका है। तुम सिविलियन भी ना, हम बॉर्डर पे दुश्मनों के साथ लड़ते हैं और तुम लोग आपस में भाई भाई में लड़ते हो। शर्म आनी चाहिए तुम सिविलियंस को, अकल नहीं है तुम लोगों में। चलो। ये है मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राणा, और ये है जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। ये नहीं, ये। नमस्ते जी, जय जवान जय किसान। किसान भाई साहब आपस में मत लड़ा करें, समझे? चलिए, दंगा खत्म हो चुका है, आइए। पांडे जी, भैया जी, कोई बात नहीं। और पता है, इन्होंने टीसी को वो गेवर खिला दिया। ये आपको पता नहीं है, वो तो गुलाब जामुन मांग रहा था। आपने टीसी को गेवर खिला जी। चलो अब तो घर फोन कर दो, इतने परेशान होंगे जी। उसकी क्या जरूरत है, घर तो आ ही गया बस। कैसे इंसान है आप, इतना ईगो, वो भी मेल ईगो। इट्स जस्ट नॉट डन। अजी वैसी कोई बात नहीं, सही तो कह रही है। आप कर लीजिए ना, घर अब कर लीजिए, आई इंसिस्ट, कर लीजिए, फोन दीजिए इनको। क्या हुआ? मेरा फोन नहीं मिल रहा। कहीं आप उसे वहीं होटल में तो नहीं भूल आई? शिट, दैट्स राइट। यू टर्न लो। नहीं, बिग डील। ये अच्छा एटीट्यूड है जी। कमाल का एटीट्यूड पकड़ा तुमने यार। ये लीजिए। अजी नहीं, सचमुच भाई साहब कोई खास करिए, कोई बात नहीं, आई इंसिस्ट, करिए जी। अच्छा, इफ यू इंसिस्ट। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, वो फ्लाइट ना दिल्ली से वो जयपुर, उसको वो डाइवर्ट होना, समझोगी नहीं? अरे अरे बता तो रहा हूँ। अरे कोई बहाने नहीं बना रहा मैं, तुम भी ना। अच्छा सुनो, देखो दूसरे का फोन है, मैं ज्यादा देर बात नहीं करता। कोई बात नहीं, बात कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं पहुंच ही गया हूं, मैं आके मिलता हूं। जी आप नहीं जानते, एक बार शुरू हो जाए ना तो चुप नहीं होती विवाह। थैंक यू जी। बस यहाँ जी लेफ्ट में रोक दीजिए आप। यहाँ है आपका घर? नहीं जी, अंदर गली में है। तो अंदर ले लेता। अरे नहीं नहीं जी, वो गाड़ी नहीं जाएगी जी अंदर, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बाय गॉड, आप रहने दीजिए जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ, वो अंदर बहुत दूर है जी। वेरी फार फॉर यू बट नियर फॉर मी। पक्का जी? 100% जी। चलो यहाँ रोक दूँ फिर जी। बस थोड़ा सा ये आगे जाके राइट में जी। बस 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 जी, आगे जी दिल्ली। थैंक यू जी, नमस्ते जी। ओके चल। अच्छा जी, करना साहब, बाय बाय जी, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। ओके, ये क्यों उतर रही है, क्या हुआ? सो आई गेस दिस इज इट। हाँ जी, दिस इज माय चांदनी चौक जी। नहीं, आई मीन द एंड ऑफ आवर जर्नी। हाँ जी, जर्नी तो एंड हो गई जी, पहुंच गए दिल्ली। किसे पता था। मैं कह रहा था जी कि अगर मुझसे कहा सुना माफ जी। नहीं प्लीज, जो भी था आई हैव टू से काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ मिस्टर भाई साहब, लगता है आपने कार्ड पे मेरा नाम पढ़ा नहीं था। चलिए कोई नहीं जी, मन्नू गुप्ता है जी मेरा नाम। मेहका बैनर्जी। नाइस टू मीट यू जी, वेरी नाइस टू मीट यू। गुड बाय भाई साहब।
क्या है ये? ओह, ये मेहंदी के फूलों को सिरके में डाल के हाथी के गोबर से मिक्स सजाने का फॉर्मूला। Are you serious? या बदन दर्द और सर दर्द का A1 फॉर्मूला भाई साहब का है। I'm going to use it. Please use it. Oh, oh. सुनो, वो तुम्हारे एड के ऑफिस से फोन आया था। Shit! मैं उन्हें फोन करना भूल ही गई। फिक्र तुम्हारा फोन कहाँ है? ठीक है। Hi विनीत, sorry I couldn't phone you back. नहीं, किसी चीज में फंस गई थी। अच्छा सुनो, I figured out कि उस ऐड में मिसिंग क्या है। शर्मा जी हो या वर्मा जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? I think that should be the end. Yeah. Okay. अच्छा और सुनो, मंडे को मैं दिल्ली में ही हूँ, तो if you want to drop by, कभी भी आ जाओ, हाँ? Okay. Bye. Yeah. मंडे को तुम US जाने वाली थी, क्या हुआ? नहीं जाने। Are you sure? Yeah. Why? क्योंकि संडे को तो मेरा बर्थडे पार्टी थ्रो करने वाले हो, and the next day I'll be hungover. उसके बाद चली जाऊँगी। You've changed. सुनो, अरे वो वहाँ देखना, वो पॉकेट में तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। देखो मेरे मेरे जैकेट में पड़ा हुआ तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। हाँ मिलो। ओह माय गॉड विक्रम, इट्स ब्यूटीफुल। यू लाइक इट? आई एम सो लकी, I have the most wonderful husband in the world. और मैं अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने घर में मनाना चाहती हूँ। घर पहुँचने में भी काफी टाइम। Yeah. Yeah, friend. Tell me, किस किस को बुलाना चाहती हो अपने बर्थडे? Usual suspects. Okay. संगीता. संगीता. कुनाल. कुनाल. जी. जी. क्यों ना उस तुम्हारे उस भाई साहब जिनको भी उतारा उनको भी बुलाओ। क्या ख्याल? You have the best ideas. मेरा फोन कहाँ? हाँ, दूसरे नंबर पे देखो, उसने नंबर डायल किया था, फोन कर लो। क्या वो? I don't know, कह रहा है कि invalid नंबर है। ठीक है ना? Yeah, it's an invalid number. वो ऐसे क्यों करेगा? Why would he? Vikram, gaadi ghumao please. Are you sure? Please, yeah. Just turn the car around. Okay. Kahan ja rahi ho? Mujhe kuch pata karna hai. Main chalun? Nahin, I'll be fine. Are you sure? Yeah. Just 2 minutes. लेकिन अभी कबाब खाइए ना। भाई साहब, आपको पता है मन्नू गुप्ता जिनकी दुकान करोलबाग में है, उनका घर कहाँ है? गुप्ता जी? हाँ जी, गुप्ता जी का सामने गली में जाके बाई तरफ घूमते ही पहला ही मकान है। ओके, थैंक यू। ओ चल
बेटा मनु गुप्ता का घर कहाँ है? मनु गुप्ता का घर लास्ट वाला घर है उनका। नमस्ते मनु गुप्ता जी यहीं पे रहते हैं? सुनिए कोई आया है। हाँ ठीक है आता हूँ। आप यहाँ? अरे आपकी बीवी अभी तक गुस्से में है? नहीं जी वो बीवी नहीं थी, वो तो नर्स थी। बीवी तो आप अंदर आइए ना, आइए आइए आइए। ये है जी मेरी वाइफ विभा। विभा देखो तो कौन आया? मीका जी आई हैं, जिनके बारे में अभी बता रहा था मैं तुम्हें। वो 2 साल पहले जी इन्हें बहुत तेज बुखार आया और यहां चढ़ गया जी। ब्रेन पे, और तब से कोमा में है। आपने कुछ बताया क्यों नहीं? अजी मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। किसी को बताने का क्या फायदा जी? जितना मैं लोगों को बताऊंगा उतना वो अफसोस करेंगे, और जितना वो अफसोस करेंगे उतना मुझे अफसोस होगा जी, और मैं अफसोस करके नहीं जीना चाहता जी। सच बात तो यह है बहन जी कि जो चीज़ अपने हाथ में नहीं हो ना उस पर अफसोस करना बेवकूफ़ी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो है या तो उसे बदलो या फिर एक्सेप्ट करो। क्या करो? एक्सेप्ट करो जी। लेकिन आपके बच्चे? 2 बेटियां जी मेरी, श्रद्धा और अर्चना, मेरी बड़ी दीदी के साथ मेरठ में रहती है जी। अब मैं तो आधा टाइम घर से बाहर ही रहता हूँ काम के सिलसिले में, तो दीदी क्या ही ठीक है जी, कभी कभी आती है संडे को। बस यही फैमिली है जी मेरी, वाइफ यहाँ, बच्चे वहाँ, और मैं यहाँ से वहाँ आवारा रही गुमशुदा जी। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स का क्या है जी, डॉक्टर्स ने भी इसी की तरह कुछ कहना बंद कर दिया है जी, चुप हो गए सारे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जरूर एक दिन मेरी विभा 100% ठीक हो जाएगी। कितने परसेंट? 100%। हाँ अरे यार बड़ी बेशरम हो रहा था तुम, घर पे मेहमान आए हैं पहली बार, तुमने पानी तक के लिए नहीं पूछा। आलसी हो गई है जी, मैं आपके लिए पानी लेकर। पता चला कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या कहा जी आपने? बस यही कि जिस आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो गई हो उसके लिए और कुछ तो। ये तो नजरिए की बात है जी। अब देखिए ना, मेरी बीवी चाहे जैसी भी हो है तो मेरे साथ, और आपको पता है विभा कोई ऑर्डिनरी वाइफ नहीं है, दुनिया की इकलौती ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा नहीं करती। आपको भी आ गया रोने पे हंसना। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप अचानक वापस? वो कल संडे मेरे घर पे एक पार्टी है और विक्रम और मैं दोनों चाह रहे थे कि आप जरूर आए।
मैं? देखिए, आपने पहले भी अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका घर ढूंढ ही लिया. नहीं जी, वो इस बार कोई बहाने नहीं, आप जरूर आइएगा. आपको एड्रेस याद है ना? चाणक्यपुरी 9th मेन बंगला नंबर 44. हाँ जी, याद है. नहीं, वो क्या है जी कि आप के यहाँ इतनी बड़ी पार्टी है और आपके दोस्तों में मैं आउट ऑफ प्लेस लगूंगा जी. भाई साहब, ऐसे बहुत कम जगह हैं जहाँ आप आउट ऑफ प्लेस होंगे और बहुत सारे जगह हैं जहाँ मैं आउट ऑफ प्लेस होंगी. तो आप ज़रूर आइएगा. दरअसल मेरा बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे टू यू जी, इन एडवांस. नहीं, हाथ में आपसे सिर्फ कल मिला हूँ, जब आप मेरे घर आकर मुझे विश करेंगे. और मेरा बर्थडे गिफ्ट तो आपने मुझे दे ही दिया है. बर्थडे गिफ्ट? आपका फेवरेट मलम. अच्छा, हाँ जी, वो आप रख लीजिए आपके माइग्रेट के लिए. तो मैं आपसे कल मिलती हूँ. प्लीज भाई साहब, जरूर आइएगा. अच्छा, मैं चलती हूँ. लेकिन आप आई कैसे थी? पैदल, लेकिन गाड़ी रोड पे ही है. अरे लेकिन रोड पे तो विक्रम जी को पार्क करने नहीं देंगे, वो उनको आगे जाके पार्क करना होगा. मैं एक काम करता हूँ, आपको चल के छोड़ के आता हूँ. नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं चली जाऊँगी. अजी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ अपने स्कूटर में. ओके. और आपके लिए भी फास्टर हो जाएगा. विभा, मैं बहन जी को छोड़ के आता हूँ, तुम उठना मत. ये सुन सकती है? नहीं जी, ये तो सुन नहीं सकती, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ जी. है ना? आइए. हाँ जी, चलिए. चल जाएंगी ना आप? माजो है, हैप्पी दिवाली जी. अजी थोड़ा कस के बैठिएगा जी. आप कभी बैठी तो नहीं होंगी स्कूटर पे? ठीक है. क्या हुआ? अजी कुछ नहीं जी, वो बंद पड़ गई है, वो अभी स्टार्ट हो जानी है. Are you serious? हाँ जी, बस वो कभी कभी हो जाता है. कोई बात नहीं, पैसे भी कौन सी बड़ी बात हो गई. ये अच्छा कहा जी आपने. चलो. क्या बोला था मैंने? अब चलो जी. चलो 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 दिल्ली दिल्ली. थोड़ा कूल कूल, थोड़ा सा संभल जा वरना हो ना जाए भूल. रोना धोना
छोड़ के तू हो जा थोड़ा कूल कूल, थोड़ा सा संभल जा वरना छोड़ सोच।